नमस्ते दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं खेतों की तरफ तो दोस्तों के साथ घूमने के लिए। ये देखें, यहाँ पर रवि है, राज भी है मेरे साथ और साहिल भी, मेरा छोटा भाई, वो भी साथ आया है। तो आज थोड़ा सा घूमने के लिए आए थे और अभी यहाँ पर एक हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, सनी नाम है, तो वो यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको चलकर मिलवाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये दोस्त हैं, ये देखें रवि खड़ा है। रवि, राम राम। जय श्री राम। हाँ जी, राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, साहिल चौहान। राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो ये राजकुमार है, तो ये तीनों अभी मेरे साथ आए हैं खेतों में घूमने के लिए। और ये देखो, ये गेहूं के खेत है, ये देखो, तो ये सारे गेहूं के खेत है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और सनसेट भी हो रहा है, तो सूरज भी कुछ देर तक डूबने वाला है। बाहर निकल आए कैमरा उठाकर व्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों, ये सनी भाई हैं, ये देखो किसान है हमारे, तो ये जा रहे थे, मैंने इनको बुला लिया वापस, क्योंकि इनसे भी आपको मिलवा देते हैं। तो ये अभी आ रहे हैं, ये देखो, तो सनी भाई से मिलवाते हैं। ये किसान है और अभी स्प्रे कर रहे थे, तो ये इन्हीं खेतों के अंदर, ये देखें, तो ये गेहूं का जो अभी मैंने खेत दिखाया ना, इसी के अंदर जो है ना, ये स्प्रे कर रहे थे। तो ये अभी आ चुके हैं हमारे सनी भाई, तो इनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये देखो जी, ये भागे चले जा रहे थे, मैंने इनको बुला लिया वापस, तो ये आ गए जी हमारे सनी चौहान। तो हाय गाइस, राम राम। यस, कैसे हो? ठीक हूं। देखो यार, सुबह से काम कर रहे हैं और इन्हें हालत देखो, इनकी हालत क्या होगी इनकी। ये देखो, किसान को भी क्या कंपेयर करना किसी से, किसान की लाइफ ही ऐसी होती है, मेहनत वाली होती है। होते हैं, तो सुनाओ सनी भाई, मजे कैसे? अब सामने आजाद फिरे और क्या चाहिए हमें। सही, अच्छी बात है यार, ये भी है। और बताओ क्या सूरत हाल, अभी गेहूं की खेत उगा दी आपने? गेहूं नहीं है भाई, गंदम है। गेहूं कहा जाता है इसको हिंदी में, हम गंदम कहते हैं, तो गेहूं जो है इसको कहा जाता है। गाइस सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, नो इशू। जब मैं आया था ना यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे भी इतना खास मालूम नहीं था, तो मुझे भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था। जब से मैं यूट्यूब के ऊपर आया, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता हूँ। तो जैसे भी सनी भाई ने कुछ सीखा कि भाई गेहूं कहा जाता है हिंदी में और गंदम कहा जाता है उर्दू में। मुझे सच में नहीं पता था इस चीज का यार। वाकई? ओ अच्छा, चले। अभी कितनी आपने मतलब फसल उगाई है इस वक्त? 16, करीब 15 एकड़। 15 एकड़ गेहूं की। हाँ। और इसके अलावा कमाद है, इसके अलावा 2 एकड़ कमाद उगाई है। कमाद का तो अभी सीजन कटाई का ना है, कटाई कर दी है। एक ग्रेप अच्छा। बच गया इस वक्त, वो भी रहता है कटाई। हाँ, करने सही। अभी स्प्रे कर रहे थे, ये नई जमीन ली है, ये नई जमीन ली है, वो भी दिखाएं। कौन सी? ये जो सामने जो खाली पड़ी हुई है, ये जो जितनी भी है आगे तक। हाँ, ये नलके से आगे आगे ना। हाँ हाँ, वो किकर दिख रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, उजड़ा हुआ पेड़ है बेचारा। इस टाइम पत्ते वगैरह नहीं लगे हुए, तो इससे आगे वाला जो सारा खेत है वीरान पड़ा है, जो खाली है, ये सनी भाई ने अभी ले लिया है, तो ठेके पे लिया है ना। हाँ, तो ठेका आपने बताया था एक बार, कितना चल रहा है? पहले चल रहा था 80-90 हज़ार, इस वक्त चल रहा है 120 हज़ार। 120 हज़ार एक एकड़ का? 120 हज़ार के इर्द गिर्द, 10 भी 15 भी 20 भी। ओह माय गॉड, अभी बहुत ही हालात कठिन हो चुके हैं। मतलब हालात बहुत टफ चल रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब बचत हो जाएगी, क्या अंदाजा है? भगवान पे छोड़ा हुआ है, भगवान पे छोड़ा हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। चले, हमारे भी यही दुआ है, देना उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। हमारे भी यही दुआ है कि भगवान आपको जो है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि चौपल आपको फल दे उसका, तो मिल जाएगा। मिलने में है क्यों नहीं, क्योंकि उसके खजाने में कौन सी कमी है? देने वाला तो वही है, मांगो जितना वो तो देगा, है कि नहीं? मेहनत हमने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम दुआ यही तो करेंगे कि आपको दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की दे। इसको कहाँ पे लिया साहब? ये राजकुमार भाई सीख रहा हूं ना। ये सीख रहा है व्लॉगिंग। क्या सीख रहा है? व्लॉगिंग। व्लॉगिंग सीख रहा है। इसको अलीफ का भी नहीं आता, ये कहां से व्लॉगिंग करेगा? सीख जाएगा। सीख रहा हूं ना अभी साथ। ठीक है, इसकी तरफ एक उड़कर। हां बता, बोल कुछ। क्या बोलना? उधर देख के बोलना, कैमरे में। कैमरे में जी दोस्तों, क्या हाल है? लेकिन इसको अभी कई हजारों लोग देख रहे हैं इस वक्त। उधर देखे यार, मुझे क्या देखता है? उधर ही देख रहा हूँ ना यार, सीख रहा हूँ ना अभी। तो दोस्तों ये थे हमारे सनी भाई, तो जो के किसान है। मैं और भी कई वीडियोस के अंदर कई मरतबा इनको दिखा चुका हूँ, तो इस बार आज फिर मिल गए। वैसे भी मेरा तो आज मूड नहीं था, राज भाई ने कहा कैमरा उठाओ व्लॉगिंग करते, मैंने कहा चलो उठा लो, हमें कौन सी टेंशन है, हमने तो बोलना है, कैमरा उठाना है, हमारे अंदर वो टैलेंट तो आ चुका है बोलने का। तो सनी भाई देख गए, तो मैंने कहा चलो इनके साथ थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं। जी सनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका, आपने जो कीमती टाइम दिया, थोड़ा सा नहीं है, हमारे लिए थोड़ा ही बहुत टाइम है ये आपका। और दोस्तों अभी जो है हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं खेतों की तरफ, ठीक है, तो
राज और साहिल अभी मेरे साथ हैं, बाकी सभी चले गए हैं, तो सनी भाई वाले वो भी चले गए। तो बाकी ये है गेहूं का खेत जो मैंने आपको दिखाया, तो मजीद आगे जा रहे हैं और साहिल देखो आगे आगे जा रहे हैं। और भाई पाकिस्तान के अंदर जो किसान की लाइफ है ना, वो बहुत टफ लाइफ है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक इतनी टफ लाइफ कि आप हद से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज महंगी है। और अगर यहाँ से अगर किसान अपनी फसल निकाल भी रहा है ना, तो खेत से यानी कि जितना भी गेहूं निकालता है वो जब बाजार में जाकर बेच आता है तो वो उसका दाम बहुत कम लगता है। इसके अलावा खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, स्प्रे भी बहुत महंगी होती है, और इसके अलावा खाद जो उसके अंदर डालते हैं ना, वो खाद यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी मिलती है हमें पाकिस्तान के अंदर। तो उसका रेट मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि खाद का जो रेट वो 5,000, 6,000, 10,000 तक भी जाती है। तो राज भाई कह रहे हैं कि यूरिया जो खाद का जो रेट है वो 10,000 है भाई, तो आप अंदाजा लगा लें जब इतना खर्चा करते हैं तो उसके अंदर फिर प्रॉफिट क्या होता होगा, क्या मुनाफा होता होगा। तो बहुत ज्यादा टफ लाइफ है। ऐसे में जो किसान मिलते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं कि जिनके पास अपना खुद का ट्रैक्टर हो, अपनी गाड़ियां हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छे से वो खेती कर पा रहे हो, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी जितने भी यहाँ पर जो है हमारे किसान भाई है ना, वो सभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पर, और उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। बाकी यहाँ पर गेहूं जो है वो गेहूं का खेत जो है वो काफी अच्छे से उगा है। ये देखो इसका सिट्टा निकला है, ये देखो काफी अच्छे से सिट्टा निकला हुआ है। अच्छा सिट्टा तोड़ रहे हो आप भी? हाँ ये देखो साहिल सिट्टा तोड़ रहा है ये। हाँ ये निकल आया। तो ये देखो मैं सिट्टे की बात कर रहा हूँ, इसे हम सिट्टा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखो ये सिट्टा है, तो ये देखो काफी अच्छे से यहाँ पर सिट्टे जो वो निकल आए हैं। और यार राज को ना मैं भी व्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ अक्सर साथ ही रहता है व्लॉग के अंदर, तो ये चाह रहा है कि मैं भी सीखूँ और व्लॉगिंग करूँ। तो ये चाह रहा है कि मैं भी अपना चैनल बनाऊँ, मोबाइल लूँ। तो सबसे पहले तो उसने मोबाइल लेना, उसके बाद चैनल बनाना और फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए आता है कि प्रैक्टिस करूँ, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करूँ। तो इसके अंदर ये होता है ना, ये हर इंसान के अंदर एक झिझक होती है, मतलब कि एक डर होता है कैमरे को फेस करने का, कैमरे के सामने बोलने का, तो वो उसको जो है ना ख़त्म करना चाह रहा है। तो इसलिए मेरे साथ ही अक्सर साथ ही रहता है, यानी कि जो राज भाई। जी जी कर लोगे? हाँ हाँ कर लूँगा जी। तो राज भाई में काफ़ी हिम्मत है। एक और हमारे साथ होते हैं अक्सर, आपने देखा होगा पृथ्वी राज भाई, वो अक्सर मेरे साथ होता है। उसको मैंने कई बार बोला है कि भाई आप मेरे साथ व्लॉगिंग करो, मतलब कि मेरे साथ घूमा करो, सीखो इस चीज़ को, समझो और फिर अपना चैनल बनाओ, उसके ऊपर काम करो। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं, वो मना कर रहा है साफ साफ। तो ये मुझे, इसको मैंने कभी कहा ही नहीं, खुद आ जाता है। और अभी भी मेरा दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, और राज ने कहा कि आओ व्लॉग बनाते हैं, तो मैंने कैमरा उठा लिया और शुरू हो गए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर, तो यहाँ पर थोड़ा सा खेतों में घुमा और सनी भाई से भी कुछ हाल वाल लिया, तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहीं पर अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय राज, बाय बाय बाय। तो बाय बाय दोस्तों।